हेलो फ्रेंड्स, आजकल का जो वेदर है वो बहुत ही ठंडा है और ऐसे में हम चाय भी ज़रूर पीते हैं, तो इसीलिए आज हम बनाएंगे चाय मसाला। तो चलिए बना लेते हैं चाय मसाला। सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्राई पैन और उसको कर लेते हैं हम चेक। ये बिल्कुल हीट हो गया है, परफेक्ट। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे इलायची, ये लगभग 20 ग्राम है, और स्पून में अगर आप मेजर करेंगे तो ये 3 चम्मच है। तो आप जो चाय का मसाला है ये मेजरमेंट में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी जो टेस्ट है वो भी परफेक्ट आएगा, मीनिंग कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इलायची की जो क्वांटिटी है वो हमने ली है 20 ग्राम, और इसको अब हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड पर। इन सब मसालों को हमें करना है रोस्ट, और उसके बाद सेम क्वांटिटी जो है वो मैंने ली है काली मिर्च की, और अगर आप चम्मच से मेजर करेंगे तो वो होगी 3 चम्मच, और इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर देते हैं जिससे ये जले ना। और उसके बाद हम लेंगे लौंग, लौंग की क्वांटिटी भी सेम है, 20 ग्राम हमने ली है हरी इलायची, 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम लौंग, और इनको हम अच्छे से एक बार कर देते हैं मिक्स। और ये एक मैंने लिया है जायफल, जो मैं पहले नहीं दिखा पाई थी, और जायफल को हम पहले कूट लेंगे और उसके बाद मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम साबुत डालेंगे तो साबुत तो खैर नहीं डाल सकते, मैं बोल भी नहीं सकती कि डालेंगे, क्योंकि अगर डाल दिया तो मसाला तो नहीं पिसेगा लेकिन जो मिक्सी का जार है वो ज़रूर ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जायफल को पहले कूटिएगा, कूटने के बाद उसका जो एक पाउडर बन जाएगा टुकड़े टुकड़े में, उसके बाद वो उसके अंदर हम ऐड करेंगे और उसको हम अच्छे से सिम गैस पर भूनेंगे। ये मैंने जायफल कूट लिया और ये 1 चम्मच बन गया, और इसको अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, और ये बचा हुआ भी हम सारा इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से। जायफल डालने के बाद हम लेंगे ये बड़ी इलायची, ये मैंने 6 ली हैं, और इनको रोस्ट करके फिर हम इनको पीसेंगे। अगर आप चाहें तो इसके बीज निकाल कर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लेंगे सौंफ, कुछ लोग खाली सौंफ की चाय भी पीते हैं, बट हम ये मसाले में ही मिक्स करेंगे, और ये जो मसाला है वो बहुत ही टेस्टी है, जो इसकी चाय है वो और टेस्टी है। तो हम एक बार में अगर मसाला बना के रख लेते हैं तो हमको हर बार में इजी हो जाता है। और जो सॉल्ट है वो मैं साबुत मैंने आपको दिखाई थी, बट उसका जो पाउडर है वो मिल जाता है, तो मैं उसको घर में नहीं पीसूंगी, मैं उसकी जगह यूज़ करूंगी पाउडर। और इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं, और इसके बाद हम इसके अंदर जो दालचीनी मैंने साबुत ली थी वो ऐड करूंगी। अगर आप यूज़ करना चाहें तो दालचीनी का जो पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट दालचीनी रोस्ट होने के बाद बहुत इजीली पीस जाती है, तो मैंने साबुत दालचीनी ली है और इसको सिम गैस पर रोस्ट कर रही हूँ, और आपको भी ऐसे ही करना है। और उसके बाद जो तुलसी टी लवर हैं उनके लिए है स्पेशली, जो तुलसी घर में होती है ना उसी के सूखे हुए पत्ते आप ले सकते हैं, और मेरे पास सूखे पत्ते नहीं थे तो इसीलिए मैंने हरे पत्तों का यूज़ करा है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सिम गैस पर, जो इनका अरोमा ऑयल है वो एक्टिव हो जाए, बस इतना ही हमें इनको रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। और आप देखिए ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, क्रंच इनमें आ गया है, मीनिंग ये पिसने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे रोज़, कुछ लोग जो होते हैं उनको रोस्ट ही पसंद होती है फ्लेवर वाली, तो इसीलिए ये घर का स्पेशल टी मसाला है, तो इसको भी हम इसके साथ रोस्ट कर लेंगे रोज़ पेटल्स को। और अगर आपको बिल्कुल ड्राई लेनी हो तो वो मार्केट में इजीली मिल जाती है, बट ये मीडियम है ना, ये बिल्कुल सूखे हैं ना ही ये बिल्कुल फ्रेश हैं। तो ये सारे मैंने ले लिए, और इनको अच्छे से रोस्ट करने के बाद हम इनके अंदर सभी मसालों के अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट का पाउडर, जो मैंने आपको बताया था साबुत सॉल्ट मैंने आपको दिखाई थी जो मार्केट में मिलती है, अगर आप पीसना चाहें तो वो भी आप पीस सकते हैं, बट मैं इसका पाउडर यूज़ करूँगी। और कर लेते हैं इन सब को एक बार अच्छे से मिक्स। इसको भी हमें 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ेगा, जो अभी अभी हमने ऐड करा है सॉल्ट का पाउडर। और उसके बाद अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा करने के लिए, जैसे ही ठंडा हो जाएगा हमें इसको पीसना है। एक ले लेते हैं हम मिक्सी का जार, और मसाला ठंडा हो गया है तो इसके अंदर हम उस मसाले को डालकर अच्छे से पीस लेंगे।
पिसने के बाद जो टी मसाला है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, मीनिंग ये अच्छे से नहीं पिसा है। तो एनीवेज हम इसको छान लेते हैं। इसको आप एक बड़ी छलनी लेकर जो मसाला पीसा है उसको सारा इसके अंदर डालने के बाद एक स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से छान लीजिए। और अगर आपका ये मसाला जो बचा है उसको दोबारा सिम गैस पर फ्राई पैन के अंदर रोस्ट करने के बाद फाइन पाउडर बन जाएगा। ये देखिए अब ये मसाला बच गया है, मीनिंग मुझे एक बार दोबारा इसको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद पीसना पड़ेगा। बट एनीवेज वो मैं कर लूँगी और आप इसको फेंकिएगा नहीं, मीनिंग ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट है, बिल्कुल सही मसाला है। तो इसको अब हम कर देते हैं साइड पर। और ये देखिए हमारा चाय मसाला, टी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब टी मसाला रेडी है तो चलिए एक कप चाय भी हो जाए। उसके लिए हम रख लेते हैं एक फ्राई पैन में एक कप पानी। और जब तक ये बॉईल होता है मैं आपको बता दूं, जो चाय मसाला है वो स्टार्टिंग में कभी नहीं डलता। ये पानी में थोड़ा सा हम आधी चम्मच डाल देते हैं चाय पत्ती। और इसमें जब तक उबाल आता है मैं आपको बता देती हूँ, जो चाय मसाला है वो बीच में या स्टार्टिंग में हम नहीं डालेंगे, हम उसको डालेंगे बिल्कुल एंड में। और ये मैंने डाल दी एक चम्मच चीनी और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। और जब आपको लगे इसमें उबाल आ गया है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक कप दूध। और आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आ गया, ये देखिए। तो अब टाइम है इसमें टी मसाला, स्पेशल टी मसाला ऐड करने का। बस आपको यही करना है, जब हम टी मसाला ऐड कर देंगे उसके बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं उबालना है। तो चलिए हमारी टी हो चुकी रेडी, तो कर लेते हैं सर्व। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, और मसाला बनाने के बाद पूरे घर में टी मसाले की इतनी अच्छी फ्रेगरेंस हो गई है। और ये देखिए सिंपल रेसिपी है टी मसाले की, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय मसाला टी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हरी मिर्च के पकौड़े, ब्रेड के पकौड़े, पालक के पकौड़े और फ्रेंच फ्राई स्टाइल में पकौड़े। तो उसके लिए हम फटाफट से कर लेते हैं तैयारी। और ये मैंने ग्रीन चटनी है जो मैंने बना के रखी हुई है, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। हम ले लेते हैं एक कटोरी या कटोरा या भगोना क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का ले लिया है और उसके अंदर मैंने 6 चम्मच डाल लिया है बेसन और आधी चम्मच डाली है मैंने लाल मिर्च, क्योंकि हमें हरी मिर्च के भी पकौड़े बनाने हैं तो इसलिए थोड़ी सी कम। और सॉल्ट एज यूजुअली अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कम या ज़्यादा चॉइस इज योर। और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन पीस के डाल ली है, पीस के मीनिंग हाथ से ही मैंने थोड़ा सा उसको मैश कर लिया है, क्रश कर लिया है। और थोड़ी सी खटाई, चाट मसाला नहीं डाला मैंने इसके अंदर। और इसको फटाफट से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो गया, अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा वाटर। जो पानी है वो एक बार में मत डालिएगा, क्योंकि एक बार में डालने से इसमें गांठें पड़ जाती हैं, लंग्स पड़ जाते हैं और फिर वो अच्छे से नहीं मिक्स होता। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए और इसको अच्छे से मिक्स करिए और अच्छे से बैटर बनाइए। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना ये अच्छे से मिक्स होगा उतने अच्छे से जो ब्रेड पे है वो कोटिंग होगी। और इसको थोड़ा सा ये बेसन जो है वो फूलता है, तो थोड़ा जब बिल्कुल आपको लगे कि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया तो इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करके 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रख दीजिए, जैसे मैंने रख दिया। और उसके बाद इतनी देर में ये हमारा जो बैटर है वो रेस्ट करता है। हम ले लेते हैं ब्रेड और ब्रेड को हम कर लेंगे ट्रायंगल स्टाइल में कट। अगर आप चाहें तो आप इसको चकोर भी कर सकते हैं, बट मुझे डायमंड में चाहिए, ट्रायंगल में चाहिए, तो मैं वो वाली शेप कट कर रही हूँ। जैसा आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। ये हमने कर लिया और उसके बाद हमने कढ़ाई में ले ली चिकनाई और इसमें फटाफट से हमने ऐड कर दिए हैं डायमंड शेप के जो हमने ब्रेड कट करे थे वो। आप देख सकते हैं वही मैं कर रही हूँ। एक एक करके हम इसमें 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम डालेंगे तो चिकनाई जो है वो ठंडी हो जाएगी और ब्रेड जो है वो अच्छे से नहीं फ्राई हो पाएंगे।
तो ये चार और एक और गैस को मीडियम रखिए, ना कम ना ज़्यादा, तो उससे जो है वो फटाफट से हो जाएंगे और इतनी देर में हम बना लेते हैं साइड पर चाय, क्योंकि ब्रेड के साथ चाय का ऑर्डर तो आना ही है, तो इससे बेटर है कि हम पहले बना लें। तो एक गैस पे मैंने चाय बनने रख दी है और ये बन रहे हैं, और जब आपको लगे ये वन साइड से हो गए, आप देखिए जो ट्रेंगल है ना उस पर साइड पे कोटिंग हो गई है, लाइक जैसे हमने कुछ वाइट वाइट रख दिया उसका सेंटर का पार्ट अलग हो गया और कॉर्नर बन चुके हैं, कॉर्नर्स पे हो गया वाइट और डायमंड शेप अलग हो गई है, मीनिंग ये बिल्कुल वन साइड से हो चुके हैं। तो अब हम इनको कर देंगे फ्लिप। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी टेक्सचर आ चुका है, बहुत अच्छे से ये हो गए हैं। तो उसके बाद हम इनको निकाल लेते हैं, दो तो दिख रहे हैं हुए बट दो नहीं हुए, तो एनीवेज हम होल्ड कर लेते हैं। तो ये आप देखिए, और अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। तो अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ये निकाल लिए, एक रह गैस को भी निकाल लेते हैं। और अभी हम कढ़ाई को एक दो मिनट के लिए छोड़ देना, क्योंकि जो चिकनाई है वो नॉर्मल हो चुकी होगी, और हमें जब ब्रेड पकौड़े बनाने हैं या कोई भी डीप फ्राई करनी है चीज़, तो हमें थोड़ी हीट चाहिए, तो इसलिए अब ये हो गई इतनी देर में। और उसके बाद हम बना रहे हैं पालक के पकौड़े। पालक ज़्यादा नहीं बना रहे क्योंकि सिर्फ मुझे ही पसंद है, तो मैं चार या पाँच ही बनाऊँगी, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप बना सकते हैं। मैंने इसका पूरा जो पत्ता होता है वो लिया है, अगर आप इसको दूसरे स्टाइल में बनाना चाहें तो चॉप करके बेसन के अंदर मिक्स करके भी बना सकते हैं, बट मुझे ऐसे पसंद है क्योंकि बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, इसमें क्रंच बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारे पालक के पकौड़े भी हो गए रेडी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इन पे। तो चलिए अब इनको भी निकाल लेते हैं हम प्लेट में। अब टाइम है खाने से पहले इसकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस लेने का जो आ रही है, और उसके बाद हम चिकनाई को फिर दो मिनट के लिए छोड़ देंगे, और जो मैं पकौड़े बनाऊंगी वो आलू के बनाऊंगी इसके बाद, और जो वो होंगे वो फ्रेंच फ्राई स्टाइल में होंगे, मैंने उसको जो लंबे साइज़ के होते हैं ना वैसे पोटैटो उसमें मैंने चॉप कर लिया है, क्योंकि मेरे बेटे को उस स्टाइल में पसंद है, गोल में बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे आप चाहें वैसे पोटैटो की शेप, आलू की शेप दे सकते। अब इनको हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो आलू हैं उनको भी हम कर देते हैं डीप फ्राई। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम उसको करेंगे सिम पर, क्योंकि जो आलू है वो अंदर तक पकने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, वरना ये कच्चे रह जाएंगे तेज गैस पे, क्योंकि ब्रेड के और पालक के तो तेज गैस पे हमने बना लिए थे, बट इसको हमें सिम गैस पे बनाना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट बहुत टेस्टी होते हैं, टेस्टी लगते हैं। अब ये बन गए और आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर क्रंच बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। किस किस को इस स्टाइल में पसंद है, या कभी किसी ने ये वाले बना के ट्राई करे हैं या खाए हैं? मोस्टली हम लोग इसको हम फ्रेंच फ्राई में ही खाते हैं। बट ये मैंने डीप फ्राई करे हैं बेसन के साथ, और जो बैकग्राउंड वॉइस है प्लीज़ प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, रेसिपी बहुत इजी है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस जो कढ़ाई है इसको मैंने अभी गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, और इतने पकौड़े बनाने के बाद याद आया कि हरी मिर्च के तो बनाए नहीं, और उसके बिना तो पकौड़ों में मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने सिंपली चार छः हरी मिर्च ले ली हैं, उनको फिल नहीं कराए, उस पर कट लगाया है, और उसको बेसन के अंदर डिप करके हमने कर दिया डीप फ्राई, क्योंकि जब खटाई की बनाते हैं ना तो वो मोटी वाली मिर्च होती है, और मोटी वाली मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास पतली वाली थी, तो मैंने फटाफट से उसके ही बना दिए। तो अभी हमारी एक साइड पे चाय बन चुकी है जो मैंने आपको नहीं दिखाई। एनीवेज तो हमारे पकौड़े जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। इतनी देर में हमारी हरी मिर्च की फ्राई हो रही है पकौड़ी, और अब हरी मिर्च की पकौड़ी हो चुकी हैं बिल्कुल फाइनल फ्राई, बिल्कुल रेडी।
तो अब टाइम है इनको भी हमें एक प्लेट में निकालने का, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं हम फटाफट से। ये हो गई, अब निकाल लेते हैं हम। और जो ब्रेड मैंने बना के रखे हुए थे कट कर कर, इतनी देर में हम इनको एंजॉय करेंगे, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो कढ़ाई को खाली छोड़ने से बेटर है कि हम उन सब ब्रेड को ऐड कर देते हैं इसके अंदर। इतने में ये फ्राई होंगे और हम प्लेटिंग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल कर लेते हैं, रेडी हो जाएगी। तो बैक टू बैक हमारा काम चलता रहेगा। वन साइड पर ये हो रहे हैं और इतने में हमने प्लेटिंग कर ली है। रेसिपी बहुत ईजी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पर चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिए। वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय ब्रेड, हरी मिर्च, आलू और पालक के पकौड़े।